महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़े चाणक्य बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने अजित पवार और उनके समर्थकों को सरकार में कराया शामिल। अजित ने शरद पवार को धोखा देकर बीजेपी से मिलाया हाथ। अजित की बगावत के बाद पहली बार जनता के सामने आए शरद पवार। कराड़ में आज शरद पवार ने की रैली। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण के प्रीति संगम स्मारक का किया दौरा। सीएम शिंदे पर संजय राउत का बड़ा दावा। महाराष्ट्र में अभी एक और खेल खेलेगी बीजेपी। एनसीपी नेता अजित पवार जल्द ही लेंगे मुख्यमंत्री शिंदे की जगह। अजित पवार की बगावत के बाद एक्शन में आई एनसीपी। जितेंद्र आह्वाड को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष। आगामी चुनावों में दिखेगा उथल पुथल का असर। महाराष्ट्र के 9 नए मंत्रियों का चिट्ठा। अजित पवार के सभी 9 सहयोगियों पर करप्शन के अलग अलग केस दर्ज। ईडी की जांच, करोड़ों का हेरफेर और दाऊद से भी रहे लिंक। अजित पवार के आने से महाराष्ट्र में पीएम मोदी की राह होगी आसान। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी को होगा फायदा। विधानसभा और महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी की जीत होगी आसान। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी का बयान। जयंत पाटिल बोले, सिर्फ शपथ लेने वाले विधायक ही अजित के साथ। केंद्र और एनडीए के दल शरद पवार को करना चाहते हैं कमजोर। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद सियासी घमासान जारी। एनसीपी ने बागी विधायकों के खिलाफ लिखी चिट्ठी। इलेक्शन कमीशन और राहुल नार्वेकर से की कार्रवाई की मांग। एनआईए ने मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर की छापेमारी। 4 आईएसआईएस समर्थकों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी एनआईए। शाहरुख खान की जवान के ट्रेलर को लेकर बड़ी खबर। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग के साथ सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भारत में 12 जुलाई को रिलीज हो सकता है ट्रेलर।